एक है कि बहुत सारे किस्से में ऐसा हुआ है कि अभी इतने रूल्स चेंज हुए हैं कि अगर ये अगर बीएमसी में अगर बोलते हैं एमसीजीएम में कि जब से बीएमसी चालू हुई है मतलब यहाँ पे सबब में 67 से 2012 में जितने रूल्स चेंज नहीं हुए वो 2012 से लेके अभी तक उससे ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन में कोई डेवलपर ने डेवलपमेंट करना आगे चालू किया एंड कोई गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो गए, बाद में माल बेचा, अभी ये सब चीज से वापस उसको वापस ये प्रोजेक्ट में रुका हुआ है, टेनेंट्स लोग रेंट के बगैर मानते नहीं है, बायर्स हैं वो जूने रेट पे माल बाय कर चुके हैं, और अभी डेवलपर को करना है बट हो नहीं रहा है, एंड हर चीज में उसको मतलब जो भी सोल्ड फ्लैट है, जैसे आपने पहले जूस वाला भी बात किया, इट इज लाइक दैट, बट नाउ ही इज विलिंग, स्टिल विलिंग, एंड वो करना भी चाह रहा है बट ये कर नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन एज अ कि आप एज अ सॉलिसिटर हैं, यू लीड सम सो मेनी केसेस, तो व्हाट कैन बी, अगर ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से पूरा खराब हो चुका है, देन व्हाट कैन हैपन। देखो, ये प्रश्न पेचीदा सवाल है। गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो तुम्हारे डेवलपर के सबके बाहर की चीज है। कुछ चीज डेवलपर के कंट्रोल में भी नहीं है, मेंबर्स भी रेंट नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग रुका हुआ है, तो देर हैज टू बी सम प्रॉपर वे ऑफ कंसिलिएशन होना चाहिए। इसमें मेडिएशन होना चाहिए और कंसिलिएशन होना चाहिए, और एज देर हैज टू बी सम पॉलिसी। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के बिना ये सब चीज हर एक चीज में, मैं आपको कोर्ट कचहरी में जाने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, तो वी आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लीगल फैटर्निटी में से है, लॉयर है, बट हर एक चीज जब आप बैठ के अच्छे कोई प्रोफेशनल्स को, आर्किटेक्ट को, सीनियर्स को रख के आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हो टर्म्स की एग्रीमेंट में, या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, जगह का कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो अलग अलग मैथोडोलॉजी से आपको अपना जात को प्रोटेक्ट करना है। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। ये आपका प्रश्न ऐसा है कि मुझे मिनिस्टर के साथ बैठ के नक्की करना पड़ेगा कि आप पॉलिसी क्यों वापस चेंज कर रहे हो हर महीने में नया। हमारे बहुत से डेवलपर भी क्लाइंट है, डेवलपर है, सोसाइटी है, तो हर एक का तो ये सवाल का जवाब कैसे दे सकते। सबको किसी को कुछ छोड़ना है, सब बांध, सबको खाना है, सब लेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, तो फिर डेडलॉक हो जाता है। तो सबको देने की भावना या कुछ छोड़ने की भावना जब निर्माण नहीं होगी, तब भावना निर्माण नहीं होगी तो बिल्डिंग निर्माण नहीं होगा। बराबर, राइट राइट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग एंड सेक्रीफाइसिंग। फाइन।